और आज का हमारा जो टॉपिक है जिसको शेयर करना है आपके साथ, इकोलॉजी से है। इकोलॉजी, जैसे आपको पता है, इन्वायरमेंटल साइंस एक वास्ट जो है वो सब्जेक्ट है। तो इसको कोशिश करूंगी कि मैं 2 या 3 लेक्चर में जो है इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो कवर कर दूं। तो आज के इसमें जो टॉपिक जो मैंने आपसे शेयर करने हैं, उनमें से कुछ डेफिनेशंस होंगी और कम्युनिटी जो इकोलॉजी है उस पे ये वाला जो है वो लेक्चर होगा, जिसको मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ जो है वो शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। सिंपली हम क्या कहते हैं कि हम कहते हैं कि इंट्रैक्शन है बायोटिक फैक्टर का एबायोटिक फैक्टर के साथ, या हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का रिलेशन जो है वो उनके इन्वायरमेंट के साथ है। दीज इंट्रैक्शन डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर अबंडेंस। मॉडर्न इकोलॉजी इंक्लूड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो इसमें हम जो मॉडर्न इकोलॉजी है उसमें इन्वायरमेंट के रिलेशन के साथ हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। तो बेसिकली हम जो है इकोलॉजी को क्या डिफाइन करेंगे, हम कैसे करेंगे, इंट्रैक्शन है ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ। सिंपल सिंपल डेफिनेशन है। और जो है जो फाउंडर है हमारा जो है मॉडर्न इकोलॉजी का, वो यूजीन ओडम है। उसको हम फादर ऑफ इकोलॉजी भी मानते हैं। इकोलॉजी की 2 मेजर टाइप्स हैं, ऑटो इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी क्या है कि अगर हम इंट्रैक्शन करते हैं एक स्पीशी की पॉपुलेशन का उनके इन्वायरमेंट के साथ, वन स्पीशी लेते हैं, वन स्पीशी के ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप देखते हैं कि उनका जो है एबायोटिक फैक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, सिंगल स्पीशी के मेंबर का इंट्रैक्शन देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग का इंट्रैक्शन देखते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी भी हो जाएगी, ऑटो इकोलॉजी भी हो जाएगी, यानी कि हम सिंगल पॉपुलेशन लेते हैं फ्रॉम सिंगल स्पीशी। लेकिन अगर हम स्टडी करेंगे कम्युनिटीज को, मोर देन वन पॉपुलेशन फ्रॉम डिफरेंट स्पीशी, उनका रिलेशनशिप हम देखेंगे उनके इन्वायरमेंट के साथ, तो वो सीन इकोलॉजी हो जाएगी। कि हम जो है उसमें फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हम इंसेक्ट को भी देख रहे हैं, हम प्लांट्स को भी देख रहे हैं, हम उसमें जो है फिशेस को भी जो है वो कर रहे हैं, इनकी तमाम जो है ये कम्युनिटी के मेंबर की का रिलेशनशिप देख रहे हैं उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनका इंट्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं, तो वो सीन इकोलॉजी हो जाएगी, जिसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी भी बोलते हैं। और जैसे मैंने बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर जो है कम्युनिटी इकोलॉजीज की तरफ ही होगा, ये सिंगल पॉपुलेशन इकोलॉजी की तरफ नहीं होगा, ऑटो इकोलॉजी नहीं बल्कि सीन इकोलॉजी। हायरार्की ऑफ इकोलॉजी या लेवल ऑफ इकोलॉजी, इसके स्पीशी से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का जो ऐसा ग्रुप जो आपस में इंटरब्रीड करे और किसी और के साथ ना करे और हमेशा फर्टाइल जो है ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस करे, तो उसको हम स्पीशी बोलते हैं। और एक स्पीशी की जो के जो मेंबर हैं वो एक ही जगह पर रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पॉपुलेशन कहलाएंगे। द मेंबर ऑफ वन स्पीशी लिविंग इन द सेम एरिया एंड यूटिलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर, देन दे मेक द पॉपुलेशन। और अगर एक से ज़्यादा स्पीशी की पॉपुलेशन इकट्ठी हो गई है उस जगह पर और वो सेम इन्वायरमेंट में रह रही हैं, तो तब हम उसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी कहेंगे। ये सिंपल सी बातें हैं और आपको इनका पता भी होगा। इकोसिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, उससे थोड़ा हायरार्की की तरफ बढ़ें तो उससे बड़ा जो है वो इकोसिस्टम है कि ऑल कम्युनिटीज इन एन एरिया, एक ऐसा एरिया जहाँ पर ये सारी कम्युनिटीज भी रह रही हैं और अपने एबायोटिक फैक्टर को भी यूटिलाइज कर रही हैं, उनके साथ इंट्रैक्शन भी कर रही हैं, तो वो पूरे का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, वो इकोसिस्टम कहलाएगा। और बायोम क्या है, अक्सर जो है हम इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि इकोसिस्टम और बायोम जो है वो एक ही चीज़ है। बायोम क्या है, लार्ज रीजन विद प्लांट एंड एनिमल एडॉप्टेड टू सॉयल एंड क्लाइमेट ऑफ रीजन। का सिंपली हम क्या कहते हैं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर डोमिनेंट वहाँ का फाना हो और उस रीजन की कोई जो है मखसूस जो है वो बाउंड्री ना हो, ब्लेंडेड हो। तो लार्ज एरिया
और स्पेशली हम कहते हैं कि वो लैंड एरिया है और जहाँ पर उसका करेक्टरिस्टिक फाना है, वेरी डोमिनेंट फाना एंड नॉट डिस्टिंक्टिव बाउंड्री, तो उनको हम क्या बोलेंगे, बायोम. फॉर एग्जांपल जो है, अगर हम नॉर्दर्न एरिया जो है वो वर्ल्ड की बात करें, नॉर्थ अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पर कॉनिफोरस के फॉरेस्ट जो है उसके साथ ही जो है वो हम कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं. कोई मखसूस बाउंड्री नहीं है, एक बायोम जो है वो दूसरे बायोम की तरफ चला जाता है, दरमियान में कोई वो एक हम ये कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं है. तो इस तरह के जो है इसको हम क्या कहेंगे, कॉनिफोर्स बायोम या हम क्या कहेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट. तो ये सारे जो है वो बायोम की डिफरेंट टाइप्स हैं. टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कॉनिफोरस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, प्राइरीज है, सवानाज हैं, टुंड्रा जो है वो बायोम्स है. तो बायोम का इकोसिस्टम के साथ डिफरेंस इस तरह है कि एक तो ये लार्ज रीजन है देन इकोसिस्टम, और ये लार्ज जो है वो रीजन कौन सा, यूजली अर्थ क्रस्ट का, अर्थ पे लैंड का, और जिसका अपना जो है वो स्पेसिफिक डोमिनेंट फाना एंड आल्सो फ्लोरा एंड नॉट विद अ स्पेसिफिक बाउंड्री, तो उनको हम क्या कहेंगे, बायोम कहेंगे. और जब ये सारे इकोसिस्टम या बायोम जो है इकट्ठे हो जाएं, तो उस अर्थ के उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहेंगे. या सिंपली हम बायोस्फीयर को किस तरह डिफाइन करेंगे, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल. तो अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कि अर्थ लुक लाइक एज एप्पल, एन एप्पल, तो एप्पल का जो छिलका है तो जस्ट वहाँ तक लाइफ जो है हम कहेंगे पॉसिबल है. तो वो जो उसका एप्पल का ऊपर वाला जो छिलका है वो क्या कहलाएगा यहाँ से, यानी कि वो बायोस्फीयर की तरह होगा. तो यहाँ पर भी अर्थ का वो जो ऊपर वाला क्रस्ट है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइफ इज पॉसिबल, देन दिस इज कॉल्ड बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर हायरार्की में ये जो लास्ट कैटेगरी जो है वो क्या है इसकी इकोलॉजी की, वो बायोस्फीयर है. इकोसिस्टम का मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दिया, अ कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. तो एक पूरा कलेक्शन है, वो एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म मुख्तलिफ कम्युनिटीज के रह रहे हैं और वो पर्टिकुलर एरिया को शेयर कर रहे हैं, वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो वो पूरे का पूरा एरिया क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम. या हम कह सकते हैं इकोसिस्टम इज द सम ऑफ ऑल ऑफ द बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल पार्ट ऑफ एन एरिया दैट इंटरैक्ट टू काज प्लांट टू ग्रो एंड डिके, सॉइल और सेडिमेंट टू फॉर्म एंड द केमिस्ट्री ऑफ द वाटर टू चेंज. जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है उस एरिया को हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम का नाम देंगे. इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट हैं ये अगले लेक्चर में हम देखेंगे, जैसे बायोटिक है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, इसमें बायोटिक में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, और ए बायोटिक कंपोनेंट में जो है हमारे जो है क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जैसे लाइट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, विंड और ह्यूमिडिटी. डेफिक फैक्टर में सॉइल न्यूट्रिएंट्स, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल पीएच, और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर में जो है वो फिजियोकेमिकल फैक्टर. तो ये ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर, साथ ही इनके जो है जैसे ट्रॉफिक लेवल हैं, फूड चेन है, फूड वेब है, तो ये सारी जो है वो मैं कोशिश करूँगी कि अगले लेक्चर में हम इसको कर लें, क्योंकि ये बड़ी आसान सी बातें हैं. और यानी इनका ये था कि मेरा कम्युनिटी इकोलॉजी की तरफ जाने का जो है वो पर्पस ये था कि अगर आप लोगों का जो टेस्ट है वो पहले हो जाता है तो कम से कम जो जो इसके थोड़े टफ टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ. बायोम का मैंने ऑलरेडी बता दिया, लार्ज रीजन करेक्टराइज बाय अ स्पेसिफिक क्लाइमेट and certain kind of plant and animal communities. साथ अब ये कहोगे with not distinctive boundary. एक ऐसा region जिसका अपना specific climate है, उसका दूसरे के साथ match नहीं करता, अपना specific fauna है, अपना specific flora है, और उस region की कोई जो है वो well distinguished जो है वो boundary नहीं है, blend करता है अगले biome के साथ, कर जाता है may be blended or not. तो हम इसको क्या कहेंगे, बायोम का नाम देंगे. तो डिफरेंट ये भी मेरे एक और लेक्चर जो है वो टॉपिक है जो आप आगे जो है अगर टाइम हुआ तो करूँगी, डिटेल के साथ हम करेंगे, जिसमें हम टुंड्रा बायोम करेंगे, ग्रासलैंड जो है वो टीगा डेजर्ट बायोम है, इसके अलावा टेम्परेट डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. तो ये इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा. बायोस्फीयर भी मैंने बता दिया, द पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लाइफ एग्जिस्ट इंक्लूडिंग लैंड, वाटर एंड एटमॉस्फेयर. अच्छा, बायोस्फीयर की फर्दर सब डिविजन्स भी हैं, उसको हम डिवाइड किस तरह करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर.
तो लिथोस्फेयर क्या है? रॉकी मटेरियल ऑफ द अर्थ आउटर शेल एंड अल्टीमेट सोर्स ऑफ मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अर्थ क्रस्ट का वो रॉकी मटेरियल जो किसका सोर्स है, मिनरल प्रोवाइड करता है, और मिनरल क्या है, रिक्वायर्ड होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए की रिक्वायरमेंट है। तो उस रॉकी मटेरियल जो है, उस रॉकी पोर्शन जो अर्थ की आउटर शेल को हम क्या कहेंगे, लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? ये सिंपली हम वाटर और नियर द अर्थ सर्फस, वाटर ऑन और नियर द अर्थ सर्फस, पानी जो है अर्थ के ऊपर या अर्थ सर्फस के नियर जो है, वो सारे का सारा जो है क्या कहलाएगा, हाइड्रोस्फीयर। जो 71% जो पोर्शन है वो हाइड्रोस्फीयर पर मुश्तमल है, और बाकी जो है लिथोस्फीयर जो है, यानी कि जो जमीनी पोर्शन है, वो 30% है या 29% है। एटमॉस्फेयर क्या है? ये गैशियस कंपोनेंट है अबव द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है जो कि लिथोस्फीयर के ऊपर है, और गैशियस कंपोनेंट है वहाँ पे एक्सटेंड टू सम 3500 किलोमीटर, और ये एक्सटेंड करता है पूरा, हम कहते हैं 3500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। लेकिन यानी यहाँ तक ये एटमॉस्फेयर है, यानी ज़मीन से लेकर जो है वो कितनी रेंज होनी चाहिए, 3500 किलोमीटर, ये सारी रेंज किसकी होगी, एटमॉस्फेयर की। लेकिन वो रेंज जो 10 से 15 किलोमीटर है, वहाँ तक हम कह सकते हैं कि लाइफ पॉसिबल है। तो वो 10 टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, वहाँ पर लाइफ जैसे बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, जैसे फ्लाइंग मैमल हैं, तो ये हमें वहाँ मिलेंगे। उस एरिया को हम, उस एटमॉस्फेयर के उस एरिया को हम क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की रेंज कितनी है, 10 टू 15 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, और जो है 20 से 25 किलोमीटर जो है वहाँ जो क्या मिलेगी हमें, ओजोन मिलेगी। तो ओजोन जो है O3, और ये जो है उसको O3 भी बोलते हैं, और प्रोटेक्टिव लेयर है, और रेडियो एक्टिव जो हार्म्स, जो रेडिएशन हम कह सकते हैं सोलर की, उनको जो है वो ज़मीन पे आने नहीं देती, और ना ही वो हीट वाली जो हम रेडिएशन कहते हैं उनको भी नहीं आने देती, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिफरेंट जो है जो गैसेस हैं, जो पोल्यूशन की जरिए जो है वो फैल रही हैं, और वो क्या करती हैं, वो ओजोन को डिप्लीट कर रही हैं, तो ओजोन की डिप्लीशन करती हैं, तो जिसकी वजह से ओजोन में हम कहते हैं शगाफ बन रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ये टॉपिक हमारा जो है एक अलहदा होगा, उसको आगे स्टडी करेंगे। सम इम्पॉर्टेंट जो है वो टर्मिनोलॉजी या डेफिनेशंस एंड की पॉइंट जो है वो, चूंकि ये टाइम शॉर्ट था तो मैंने इनके जस्ट डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ताकि आप लोगों को ये अगर MCQs हों तो प्रॉब्लम ना हो। हैबिट जो है वो एक, उसको हम कहते हैं आदत, यानी कि एक जो ऑर्गेनिज्म की अपनी जैसे आदत होती हैं वो हैबिट है। लेकिन हैबिटेट क्या है कि फिजिकल स्पेस वेयर एन एनिमल लिव विच कॉन्टेन इट्स इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में वो मखसूस जगह जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रहता है, उसका वो जो मस्कन है, उसकी वो जो जगह है, वो उसकी क्या कहलाएगी, हैबिटेट कहलाएगी। और ये हैबिटेट का जो साइज है वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी। कोई जो है वो नेस्ट बना के रह रहे हैं, कोई अपनी टेरिटरी बना के रह रहे हैं, तो उनका जो साइज है जहाँ पे वो रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है एक स्पीशी के मेंबर का दूसरी स्पीशी के मेंबर से डिफरेंट है। अच्छा, फिर उसके बाद नीश या इकोलॉजिकल नीश, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा टॉपिक जो है ये इकोलॉजी में है, इसका डिटेल से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करना है कि हम कहते हैं ऑक्यूपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन इट्स एनवायरनमेंट, या रोल ऑफ अ स्पीशी, एक मखसूस रोल, एक मखसूस जो है ऑक्यूपेशन जो एक स्पीशी अपनी हैबिटेट में रह के करती है, तो वो उसका जो डिस्टिंक्ट या स्पेसिफिक जो उसका रोल होगा उस स्पीशी का, वो क्या कहलाएगा, नीश कहलाएगा। तो यूनिक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप ऑफ दैट स्पीशी विद इट्स एनवायरनमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं उसका यूनिक मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसका काम क्या है, उसकी जॉब क्या है वहाँ पर, उसका फीडिंग बिहेवियर कैसा है, उसका रिप्रोडक्टिव बिहेवियर कैसा है, उसका टेरिटोरियल बिहेवियर कैसा है, नेस्टिंग बिहेवियर, प्रीनिंग का प्रोसेस, जो अपने वो जैसे बर्ड जो है वो अपने फैदर्स को साफ कर रहे होते हैं,
तो ये सारे जो मल्टी डायमेंशनल ये रिलेशनशिप हैं जो एक स्पीशी अपने इन्वायरमेंट के साथ करती है, और वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो क्या कहलाती है, वो निश कहलाती है। अगर फीडिंग बिहेवियर होगा तो उसे हम फीडिंग निश बोलेंगे, टेरिटोरियल बिहेवियर है तो टेरिटोरियल निश कहलाएगा। तो इस तरह जो है वो हम सिंपली कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म की जॉब, उसका फंक्शन, वो जो काम, वो जो स्पेसिफिक है जो अपने इन्वायरमेंट में वो कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाएगी, निश कहलाएगी। उसके बाद है डैम्स। अ स्पीशी मे बी सिंगल कोहेसिव पॉपुलेशन और मे कंटेन मैनी जियोग्राफिकल डिसजंक्ट पॉपुलेशन ऑफन कॉल्ड डैम्स। कुछ स्पीशी होते हैं जिनके मेंबर सिंगल रहना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ स्पीशी हैं जिनके मेंबर जो हैं एक ख़ास किस्म की पॉपुलेशन में रहते हैं, ख़ास किस्म के यानी कि ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप जो है वो पॉपुलेशन उसकी क्या कहलाएगी, डैम्स कहलाएगी। और ये डैम्स, हर जो डैम्स है वो जियोग्राफिकली दूसरे डैम से जो है वो क्या होगा, आइसोलेट होगा, और एक डैम के मेंबर आपस में इंटरब्रीड करेंगे जिसकी वजह से कॉमन जो है वो जीन पूल को वो शेयर करेंगे और बाकियों के साथ नहीं करेंगे। और इस तरह ये भी अगर प्रोसेस इस तरह बढ़ता रहा तो वो नई स्पीशी में चेंज हो सकते हैं। लिमिटिंग फैक्टर जो है वो क्या है, फैक्टर बिकम आउट ऑफ टॉलरेंस रेंज ऑफ एन एनिमल इज कॉल्ड लिमिटिंग फैक्टर। जिस जो हमारा जो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो वो टॉलरेंस से जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको हम लिमिटिंग फैक्टर, जैसे टेम्परेचर है तो ये उसको हम हीट है, टेम्परेचर है उसको हम क्या है, पीएच है, तो ये लिमिटिंग फैक्टर के तौर पर आता है। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है, जैसे टैक्सिस है, द ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल इन रिस्पॉन्स टू एन एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर की तरफ ओरिएंट कर जाना एक ऑर्गेनिज्म का या उसको रिस्पॉन्स करना, तो वो क्या कहलाता है, वो टैक्सिस कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फोटोटैक्सिस है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सन की तरफ, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना बिहेवियरल एडाप्टेशन करते हैं ड्यूरिंग विंटर, तो वो बास्किंग कर रहे होते हैं, वो सन की तरफ अपने आप को मूव कर रहे करवा रहे होते हैं। या हम सिंपली हम कहते हैं सूरजमुखी का जो फूल है वो ओरिएंट कर जाता है टूवर्ड सन, तो वो उसकी क्या होगी, पॉजिटिव फोटो टैक्सिस होगी। अगर उससे अवे करेगा तो वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव जो है वो फोटोटैक्सिस। इसी तरह जियोटैक्सिस है, नेगेटिव जियोटैक्सिस है कि रूट्स का, पौधे के रूट्स का जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की तरफ बढ़ना जो है ये पॉजिटिव जो है ग्रेविटी का टॉक्सिक है वो टैक्सिस है। और अगर उससे जैसे हम कहते हैं स्टेम जो है वो उससे अगेंस्ट होती हैं, तो इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकते हैं। और भी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आप लोगों ने मतलब करनी है, जैसे एनर्जी बजट है, तो मैंने यहाँ पे स्लाइड में नहीं वो बनाई हुई, जस्ट वो मेरे माइंड में अब आ रही थी। एनर्जी बजट है, जैसे क्या है, द काउंटिंग ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ एन एनिमल एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ दैट एनर्जी इज यूज एंड लॉस्ट। यानी कि टोटल एनर्जी जो ऑर्गेनिज्म की है तो उसको उसने कैसे यूज करना है, कैसे उसे लॉस्ट करना है, वो उसका क्या कहलाएगा, एनर्जी बजट कहलाएगा। तो इसी तरह और भी बहुत सारी है डेफिनेशन, और अक्सर जो है ये पॉपुलेशन इकोलॉजी में या कम्युनिटी इकोलॉजी में हम इनको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये शायद आपको, आपके साथ शरद मान ने भी शेयर की हुई हो, तो काफ़ी दफ़ा शायद की हो, जैसे टॉर्पर है, हाँ जी, टॉर्पर का प्रोसेस है, एस्टिवेशन का है, विंटर स्लीप का है। तो ये भी आप लोगों ने इनके दरमियान जो है आपने डिफरेंस जरूर देखना है कि इनका क्या डिफरेंस है इनका आपस में। टॉर्पर क्या चीज है, या हम ये कहते हैं कि, हाँ जी, टॉर्पर जैसे द डेली टाइम ऑफ डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड लोअर्ड बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड। कि अगर डेली जो है रूटीन वाइज जो है अपने बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करना, लोअर करना, तो वो बिहेवियर में आता है, वो टॉर्पर कहलाएगा। फिर एस्टिवेशन क्या है, द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल फार विदस्टैंडिंग ड्राई पीरियड। कि ड्यूरिंग समर जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो गर्मी से बचने के लिए जो है उसमें गारों में चले जाते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी बॉडी का टेम्परेचर लोअर करते हैं। तो या उसके, क्योंकि वहाँ पर वैसे ही इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी लोअर होता है, तो वो अपने आप को वहाँ पे अडॉप्ट कर, ये क्या ना, उसका एडजस्ट करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को एस्टिवेशन कहलाता है।
तो द पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी इन सम एनिमल फॉर विदस्टैंडिंग ड्राई पीरियड, अगर ड्राई पीरियड को विदस्टैंड करके अपने बॉडी टेम्परेचर लोअर करना है तो वो क्या कहलाएगा, एस्टिवेशन। और अगर विंटर में अपने जो है अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए जो है वो शदीद सर्दी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो जाना तो वो क्या कहलाता है, वो हाइबरनेशन कहलाता है। और अगर लॉन्ग जो है इनएक्टिविटी करे तो वो जो है विंटर स्लीप कहलाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स की डेफिनेशंस हैं, ये अक्सर इनमें से एमसीक्यूज में भी आती हैं, तो ये आप लोगों ने करनी है, इनको आपने देखना है। जैसे एनर्जी बजट क्या है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो इन ये डेफिनेशन आपने देखनी है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन डिप्लेशन इज कॉज्ड बाय मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, बी पे कार्बन मोनोऑक्साइड, सी पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी पे सल्फर ऑक्साइड। तो ज़्यादातर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन की डिप्लेशन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी रोल प्ले करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करती है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं वो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं ओजोन की डिप्लेशन के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या ये जो है डिफरेंट, जैसे मैंने आपसे एटमॉस्फेयर के हवाले से बात की थी, और मैं एक पॉइंट आपके साथ मिस कर गई, मैं फिर से उस तरफ बढ़ती हूँ। एटमॉस्फेयर में जो मेन गैसेस हैं वो कितनी हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और बाकी जो गैसेज हैं वो ट्रेस अमाउंट में है, और वाटर वेपर्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं। तो ये थोड़े से वो गैसेस के हवाले से था, तो यहाँ पर उसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी कितनी अमाउंट है, या जो है वो हम कह सकते हैं जैसे ओजोन डिप्लेशन की बात की, इसके बारे में आ सकता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ने मैंने ऑलरेडी किसी लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। तो मॉडर्न इकोलॉजी के फादर जो है वो कौन से हैं, यूजीन ओडम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्नेस्ट हिकल ने भी अपना रोल प्ले किया था, चार्ल्स एल्टन ने भी किया था, लेकिन जो फादर ऑफ इकोलॉजी है वो कौन है, यूजीन ओडम। क्वेश्चन नंबर थ्री, द ओरिएंटेशन ऑफ एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू एन एबायोटिक फैक्टर इज कॉल्ड, ये मैंने अभी आपके साथ शेयर किया, टैक्सिस कहलाता है। तो इसमें एबायोटिक फैक्टर के हवाले से जो है वो सन भी आ सकता है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ सकती है, वाटर आ सकता है, तो उसमें कुछ किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर, द पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल, ए पे है इकोसिस्टम, बी पे है बायोम, सी पे है बायोस्फीयर और डी पे है ट्रोपोस्फीयर। तो यहाँ पर जो है बायोस्फीयर आएगा। यहाँ पर हमने उस मखसूस एरिया की बात नहीं की, बल्कि उस तमाम इकोसिस्टम या बायोम पर मुश्तमल वो जो अर्थ का वो पीस है जहाँ लाइफ पॉसिबल है वो क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। तो यहाँ पर इकोसिस्टम के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बायोम के हवाले से भी आ सकते हैं, ट्रोपोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, तो किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं कम्युनिटी इकोलॉजी की तरफ, और कम्युनिटी इकोलॉजी में हमारे पास जो है इंट्रा स्पेसिफिक भी है और इंटर स्पेसिफिक भी है। इंट्रा स्पेसिफिक जो है कोई भी इनका ऑर्गेनिज्म का रोल जो है हो सकता है विद इन स्पीशी मेंबर। तो यहाँ पर हमने चूंकि कम्युनिटी कर रहे हैं तो इंटर स्पेसिफिक जो है वो इंट्रैक्शन हमने देखना है, इसमें बिटवीन टू या मोर देन टू स्पीशी के दरमियान जो इंट्रैक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, इंटर स्पेसिफिक, यानी बिटवीन स्पीशी इंट्रैक्शन। तो ये हम देखेंगे, इसमें हमारे पास सबसे पहले है पैरासिटिज्म है, फिर प्रीडेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद हम जो है वो सिम्बायोसिस को करेंगे, फिर कीमोफ्लेज की तरफ बढ़ेंगे और मिमिक्री की तरफ बढ़ेंगे। तो ये आज के टॉपिक में हमने ये देखना है डिटेल के साथ। पैरासिटिज्म क्या है, इंट्रैक्शन बिटवीन टू स्पीशी, दो स्पीशी के मेंबर के दरमियान इंट्रैक्शन जिसमें एक बेनिफिट लेता है और दूसरा जो है वो नहीं लेता, वो हार्मफुल इफेक्ट भी उसको मिलेगा। तो इस तरह के इंट्रैक्शन में जिसमें वन स्पीशी मेंबर गेट्स बेनिफिट एंड अदर हार्म, तो उसको लेकिन वो हार्म होगा, किल्ड नहीं होगा, डायरेक्टली वो किल्ड नहीं होगा, उसको जो है वो हार्मफुल जो से इफेक्ट मिलेगा अपने जो है वो उससे प्रेस उससे क्या नाम है पैरासाइट से,
तो लेकिन वो उसी टाइम किल्ड नहीं होगा। तो इस तरह का रिलेशनशिप पैरासिटिज्म कहलाएगा, जो प्रे और सॉरी जो उसमें पैरासाइट और होस्ट के दरमियान है। तो ये इंट्रैक्शन किसके दरमियान है? पैरासाइट एंड होस्ट इंट्रैक्शन है। और ये यूजली जो पैरासाइट है वो न्यूट्रिशन लेने के लिए या शेल्टर लेने के लिए, ज़्यादातर फीड के लिए जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अपने होस्ट पे डिपेंड करता है। अगर ये उसकी बॉडी के ऊपर रह रहा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्टोपैरासाइट। उसकी जैसे बेस्ट एग्जांपल है हमें लाइस है, टिक्स हैं, माइट्स हैं। तो अगर वो उस बॉडी के अंदर रह रहा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? एंडोपैरासाइट। और एंडोपैरासाइट में भी फर्दर जो है दो तरह के हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है और फैकल्टेटिव पैरासाइट है। कि अगर ये पैरासाइट जो हैं अपने होस्ट के बगैर जो है वो ज़िंदा ना रहें और बिल्कुल उसी होस्ट पे ही डिपेंड करें तो तब हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्लिगेट पैरासाइट। और वो मैंने आप फंजाई के उसमें टॉपिक में डिटेल से बताया था कि कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो फंगस जो होती हैं जो टोटली डिपेंड करती हैं अपने होस्ट पे। एस्टलीगो की एग्जांपल दी थी, पक्सीनिया की दी थी। तो ये ऑब्लिगेट है और फैकल्टेटिव पैरासाइट है कि ठीक है होस्ट मिल गया तो ठीक है, वरना ना मिला तो कोई बात नहीं। तो ये इस तरह का जो है जो फूड चेन को, फूड वेब को, इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ये इंट्रैक्शन होते हैं। और उसमें हमारे पास जो हमने पहला पढ़ा वो पैरासिटिज्म है, सेकंड जो है वो प्रीडेशन है। प्रीडेशन जो है प्रे और प्रीडेटर के दरमियान इंट्रैक्शन है। तो ऐसा इंट्रैक्शन दो स्पीशी के मेंबर के दरमियान जिसमें एक को फ़ायदा हो और दूसरा किल्ड हो जाए, तो किल्ड बाय प्रीडेटर। तो प्रे प्रीडेटर रिलेशनशिप इन विच प्रे इज हार्म्ड बाय प्रीडेटर और किल्ड बाय प्रीडेटर, सो दिस इज कॉल्ड प्रीडेशन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस, नेसेसरी एंड इंपॉर्टेंट टू बैलेंस फूड चेन एंड फूड वेब ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम की को मेंटेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल प्रे की और प्रीडेटर की पॉपुलेशन इसी रिलेशनशिप से ही मेंटेन होती है। अदरवाइज इतनी हो जाए पॉपुलेशन में से एक की कि पाऊँ वहाँ वहाँ पर हम ना रख सकें। और उसकी मैंने एग्जांपल आपको कीस्टोन प्रीडेटर की दी थी, बारनेकल्स थे जैसे मैंने वो कहा आपसे एक जो है उसमें लेक्चर में ये शेयर भी किया था कि कीस्टोन प्रीडेटर को जैसे सी स्टार है वो बारनेकल्स को भी खा रहा है, वो जो है सी स्टार जो है वो स्नेल को भी खा रहा है, तो बाकी जो है वो जो प्रे है उनको भी खा रहा है, जिसकी वजह से सबकी तो थोड़ा थोड़ा लेता है, जिसकी वजह से सबकी पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर वहाँ से खुदा ना खास्ता उस प्रीडेटर को वहाँ से निकाल दिया जाए तो रिजल्ट जो है वो जो उससे नीचे वाला जो होगा वो डोमिनेंट कर जाएगा। जैसे मैंने आपको स्नेल का बताया था कि स्नेल डोमिनेंट कर जाएंगे और हर किस्म के जो ऑर्गेनिज्म है उनको खा लेंगे, रिजल्ट वहाँ पर ज़ीरो डाइवर्सिटी होगी, तो डाइवर्सिटी और बर्ड जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर ये रिलेशनशिप ना हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं प्रे को खाने वाला कोई ना हो, तो रिजल्ट उस एक ख़ास टाइम के लिए हम कह दें कि अगर इंसेक्ट जो हैं उनको खाने के लिए हम लिजर्ड हम कहें कि नहीं होंगी, तो वो इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी और इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए इकोसिस्टम को ये इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। मैनी अच्छा कुछ ये इसमें प्रीडेशन में हम कहते हैं कि मैनी पैलेटेबल एनिमल इस्केप डिटेक्शन बाय मैचिंग देम सेल्व विद देयर बैकग्राउंड। इसी में ही प्रे प्रीडेटर और प्रे के रिलेशनशिप में कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने आप को मैच कर लेते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। वो प्रे भी हो सकते हैं, अगर प्रे है अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच कर रहा है ताकि उसे प्रीडेटर नज़र ना आए, प्रीडेटर यानी प्रीडेटर देख ना सके प्रे को। या ये होता है कि सम टाइम प्रीडेटर की अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच कर लेते हैं कि प्रे जो है वो प्रीडेटर को ना देख सके। तो ये इस तरह की जो इन्होंने अडाप्टेशन की हुई है, ये भी अडाप्टेशन जो है स्पेसिएशन की तरफ जाती हैं, इनकी एवोल्यूशन की तरफ जाती हैं। तो ये अपने ग्राउंड बैकग्राउंड के साथ जो है अपनी बॉडी को मैच कर लेना, चाहे वो प्रे है चाहे वो प्रीडेटर है, और यूजली प्रे ये काम करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कीमोफ्लेज या डिसेप्टिव बिहेवियर। तो ये भी हम प्रीडेशन के अंदर ही पढ़ते हैं। और कीमोफ्लेज या डिसेप्टिव बिहेवियर में मैंने जस्ट बहुत सारी एग्जांपल दी थी। उसकी एग्जांपल में हम प्रीडेटर की बात करते हैं कि कुछ सांप ऐसे होते हैं, कुछ स्नेक ऐसे होते हैं जो अपनी ज़मीन के साथ अपने आप को मैच कर लेते हैं। जैसे हम ये पाकिस्तान में कॉमन स्नेक है जिसे हम तीर मार का सांप कहते हैं, तो बिल्कुल अर्थ की सरफस की तरह अपने आप को जो है वो मैच करके उसने रखा होता है ताकि
प्रे जो है वो उसे देख ना सके और वो अपने प्रे को खा ले। इसी तरह बहुत सारी मॉथ हैं, बहुत सारे जो है ये इंसेक्ट हैं जो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को मैच करते हैं। इसी तरह बहुत सारे बर्ड हैं जो अपने एग्स देंगे और वो एग्स जो है नेस्ट के साथ उन्होंने मैच किए होते हैं, या कोई अगर जो उन्होंने रखे हुए हैं उसमें ह्यूमस में या लिटर में रखे हुए हैं तो ह्यूमस के जो लीव्स होते हैं वहाँ पे गले सड़े उनके साथ उन्होंने अपनी बॉडी को मैच किया होता है या अपने एग्स को मैच किया होता है ताकि उन्हें प्रीडेटर देख ना सके। तो इस तरह का जो अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने कलर को मैच कर लेना अपनी बॉडी को और फिर वो कलर चेंज भी करते रहना, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो डिफेंस का मैकेनिज्म है उसको हम कीमोफ्लेज या डिसेप्टिव बिहेवियर कहते हैं। और बास टाइम ऐसे होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अपने आप को जो है वो मैच करवाता है, वो मिमिक्री है, और मैं अभी इसी लेक्चर के एंड में मिमिक्री डिटेल के साथ करवाऊंगी। तो ये दोनों चीज़ें, चाहे जो है कीमोफ्लेज करना है, चाहे किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अपने आप को मैच करना है, कोलेक्टिवली जो है क्रिप्टिव डिफेंस कहलाता है। और अगर कलर के लिए जो है ऐसा करके अपनी बॉडी को छुपाना है तो तब हम उसे क्या कहेंगे, क्रिप्टिक कलरेशन। तो एक और प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं एपोजमेटिक डिफेंस। एपोजमेटिक डिफेंस इज आल्सो कॉल्ड वार्निंग कलरेशन। तो ये इसमें भी ऑर्गेनिज्म, या इसको सेल्फ मिमिक्री भी कहते हैं। तो एपोजमेटिक डिफेंस कैसा है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी का कलर बड़ा ब्राइट कर लेता है, बड़ा खूबसूरत सा कर लेता है, ताकि जो है जो प्रे है वो इसकी तरफ बढ़े और ये वो कुछ और समझे कि ये ब्राइट सी चीज़ है, और जो ही वो इसके पास आए तो ये उसको खा ले। या बाज़ोकात प्रे ये काम करता है कि वो प्रे जो है वो होता टेस्टफुल है लेकिन अपने बॉडी का कलर कुछ इस तरह करवा लेगा, कुछ उसमें बड़ी बड़ी आई स्पॉट रख लेगा या उसमें बड़ा अलार्मिंग कलर कर लेगा वार्न करने के लिए, ताकि कोई उसे समझे, उसका प्रीडेटर समझे कि ये बड़ी खौफनाक सी चीज़ है और वो वहाँ से दूर हो जाए। तो ये इस तरह का जो कलरेशन का पैटर्न करना है या अपने आप को जो है इस ब्राइट कर लेना है ताकि दूसरों को वार्न कर सकें, उसे हम एपोजमेटिक डिफेंस बोलते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एपोजमेटिक डिफेंस। हाँ जी, एक और इंट्रैक्शन है विद इन द मेंबर ऑफ टू स्पीशी, उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। पहले जो हमने दो इंट्रैक्शन पढ़े थे उसमें एक को फायदा था और एक को नुकसान था, या तो उसी टाइम वो मारा जाता था जैसे प्रीडेशन के रिलेशनशिप में, या उसको इनडायरेक्ट जो है वो उसकी डेथ होती थी, या उसे हार्मफुल होता था लेकिन डायरेक्ट किल नहीं होता था। तो वो हमने किस में पढ़ा, वो पैरास्टिज्म में पढ़ा। लेकिन ये जो कैटेगरी है सिम्बियोसिस की, इसमें वन गेट बेनिफिट एंड अदर मे बी बेनिफिटेड और रिमेन न्यूट्रल। तो ऐसा इंट्रैक्शन जिसमें एक को तो कंफर्म है कि बेनिफिट मिले लेकिन दूसरे को ना फायदा हो ना नुकसान हो, कभी फायदा मिल जाए और कभी जो है वो न्यूट्रल रहे, उसे कुछ भी ना हो, तो ये जो है इस तरह के, यानी कि या उसको फायदा मिले या ना फायदा ना नुकसान, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिम्बायोसिस। सो सिम्बायोसिस कैन बी डिवाइडेड फर्दर इंटू टू कैटेगरी, म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म। म्यूचुअलिज्म जैसे नाम से ही जाहिर है, म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन द मेंबर ऑफ टू स्पीशी इन विच बोथ गेट बेनिफिट, जिसमें दोनों को फायदा है, जिसमें दोनों को ही, दोनों स्पीशी के मेंबर को फायदा है, उसे म्यूचुअलिज्म कहेंगे। और बाजों का तो म्यूचुअलिज्म इतना नेसेसरी है कि अगर नहीं होगा तो वो स्पीशी कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। सो नॉट ओनली फॉर बेनिफिशियल इफेक्ट बट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ वन और इवन बोथ स्पीशी। तो उनके लिए, उनके सर्वाइवल के लिए ये लाजमी इंट्रैक्शन है, वरना वो सर्वाइव कभी भी नहीं करेंगे। और उसकी बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो ये बहुत इंटरेस्टिंग ये एग्जाम्पल है, इंट्रैक्शन बिटवीन टर्माइट एंड प्रोटोजोआ। टर्माइट में सेलुलोज को तोड़ने के लिए सेलुलेज इंजाइम नहीं होता, प्रोटोजोन में होता है। जो प्रोटोजोन जिनमें होगा वो इनके गट के अंदर रहते हैं, और ये प्रोटोजोन जो है टर्माइट को इंजाइम प्रोवाइड करते हैं और बदले में जो है शेल्टर भी लेंगे और फिर न्यूट्रिशन भी लेंगे। तो इस तरह दोनों को फायदा है, और इसमें टर्माइट के पास अगर ये प्रोटोजोआ नहीं होंगे तो टर्माइट की डेथ हो जाएगी, क्योंकि उनके वो करती ही सेलुलोज पर डिपेंड है और उसके लिए सेलुलेज इंजाइम चाहिए जो टर्माइट के पास नहीं है। तो इस तरह ये म्यूचुअलिज्म हम कहेंगे कि सर्वाइवल के लिए, एक स्पीशी के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है।
एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो है, एक खास किस्म का ट्री है जिसे कैलिवेरिया कहेंगे, और ये नेटिव है वहाँ का, जो है मकामी है, मोराइटस जो है, मोराइटस आइलैंड पे ये ट्री होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 300 साल से इसकी जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये सीड जो है तभी जर्मिनेट होता था अगर इसे जो है डोडो बर्ड खाते थे और गट में, और फिर वो जो है अपने फीसिस से निकालते थे, तो तब ये जर्मिनेट होता था। उसके पीछे क्या रीज़न है कुछ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि इसकी जर्मिनेशन जो है वो डोडो बर्ड के खाने के बाद ही होती थी। और डोडो बर्ड जो है, मैंने एक लेक्चर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, पूरी दुनिया में नहीं पाए जाते। तो इस तरह आप ये देखें कि डोडो बर्ड के ना होने की वजह से इस ट्री की भी जर्मिनेशन जो है, या इसकी सेक्शुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं है, और ये सही तरह से सर्वाइव नहीं कर रहा। क्वेश्चन म्यूचुअलिज्म हमने किया। अब इसका जो सेकंड टाइप है वो है कमेंसलिज्म। सिम्बायोसिस की जो सेकंड टाइप है वो क्या है? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है कि वन गेट बेनिफिट एंड अदर रिमेन न्यूट्रल, नॉट बेनिफिटेड नॉट हार्मफुल। ना वो हार्मफुल है ना वो बेनिफिट है उसे मिल रहा है, तो लेकिन एक को बेनिफिट मिलता है। और इसमें इंट्रैक्शन जो है पायलट फिशेस का शार्क के साथ या रिमोरास का शार्क के साथ, पायलट फिश या रिमोरास, ये दोनों फिशेस छोटी होती हैं और उमूमन ये शार्क के आसपास मंडलाती रहती हैं। जब भी शार्क जो है अपने जो है उसका प्रे का शिकार करता है तो उसके छोटे छोटे पीसेस साइड पे गिर जाते हैं और ये आराम से फिशेस जो हैं ये उठा लेती हैं, और शार्क के पास रहते हुए ये अपने प्रीडेटर से भी बच जाती हैं, क्योंकि प्रीडेटर शार्क के पास नहीं आएगा तो डेफिनेटली इन फिशेस के पास भी नहीं आएगा। तो इस तरह इन फिशेस को फ़ायदा है, एक इन्हें खुराक मिल जाती है, दूसरा प्रीडेटर से बच जाते हैं, और शार्क को ना फ़ायदा है ना नुकसान है। लेकिन अब जो है ये कमेंसलिज्म अपग्रेड हो गया है। ये किसमें चेंज हो रहा है? म्यूचुअलिज्म में चेंज हो रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि पायलट फिशेज या फिर रेमोरास जो है ये शार्क के ऊपर रह के उसके जो एक्टो पैरासाइट है उनको भी खाते हैं, और इस तरह पैरासाइट से निजात मिल जाती है शार्क को। तो ये म्यूचुअलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गया है कमेंसलिज्म। तो बहरहाल कमेंसलिज्म क्या है? इंट्रैक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन गेट बेनिफिट एंड अदर नॉट बेनिफिट नॉट हार्मफुल इफेक्ट। तो उसके बाद जो है एक और हमारे पास कैटेगरी है एक इंट्रैक्शन की, जिसे हम क्या कहते हैं? कंपटीशन। तो कंपटीशन जो है इंट्रा स्पेसिफिक भी है और इंटर स्पेसिफिक भी है। इंट्रा स्पेसिफिक का मतलब होता है एक स्पीशी के मेंबर के दरमियान कंपटीशन, विद इन स्पीशी मेंबर, उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा स्पेसिफिक। तो जैसे एक स्पीशी हम कोई भी ले सकते हैं, फिंच की एक स्पीशी ले सकते हैं, तो उनके मेंबर के दरमियान जो है इंट्रैक्शन है, और वो शेल्टर के लिए, फूड के लिए, टेरिटरी के लिए, तो वो कंपटीशन क्या कहलाएगा? इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन बिटवीन, जो कि हम कम्युनिटी इकोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो बिटवीन स्पीशी के मेंबर के दरमियान जो इंट्रैक्शन है अपने फूड के लिए, शेल्टर के लिए, अदर रिसोर्सेज के लिए, बिटवीन डिफरेंट स्पीशी मेंबर, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो कंपटीशन इज द चीफ ऑर्गेनाइजिंग फैक्टर इन स्पीशी असेंबलेज। तो जो नई से नई स्पीशी बनती हैं वो तभी बनेंगी जब उनमें चेंज आएगी, और चेंज कब आएगी? जब वो कम्पीट करेंगी एक दूसरे को। तो ये डिटेल के साथ जो है नेचुरल सिलेक्शन जो है डार्विन ने जो दी थी, तो उसमें कंपटीशन का ये बहुत डिटेल के साथ बताया हुआ था कि जो कंपीट करेगा उसको नेचर सिलेक्ट करेगी, और जिसकी नेचुरल सिलेक्शन होगी वो उसमें ही चेंजेस आएंगी, और जिसमें चेंजेस आएंगी वो नई स्पीशी की तरफ जाएगा, उसमें एवोल्यूशन होगी, ग्रेजुअल एवोल्यूशन होगी या उसमें सिंपल एवोल्यूशन होगी। अच्छा, एक और इसकी इसी कंपटीशन की एक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं एमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म कोई कमेंसलिज्म नहीं है। एमेंसलिज्म या एसमेट्रिक कंपटीशन क्या है कि इसमें इफेक्ट ऑफ वन स्पीशी इन अ कम्पिटेटिव रिलेशनशिप इज अ नेग्लिजिबल, कि उसमें जो कंपटीशन है एक स्पीशी के मेंबर का वो दूसरे के ऊपर नेग्लिजिबल है, तो रिजल्ट कोई इतना ज़्यादा नहीं निकलता। कंपटीशन ज़रूर है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं निकलेगा दूसरी स्पीशी के ऊपर। जैसे हम बार्निकल्स की दो स्पीशी कहते हैं कि वो आपस में रह रही हैं, एक जो है वो दूसरे के ऊपर जो है इफेक्ट जरूर डालेगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा जिसमें उसका रिजल्ट नेग्लिजिबल ही आएगा। तो ऐसी कंपटीशन को हम एमेंसलिज्म या एसमेट्रिक कंपटीशन बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं
यानी ये हमने कर लिया डिटेल के साथ, और मैंने जैसे कहा था कि मैं मिमिक्री का बताऊंगी, ये एनिमल बिहेवियर में भी है, ये कम्युनिटी इकोलॉजी में भी है, और इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एमसीक्यूज में आते भी हैं, इवन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। मेरे से कुछ जो है वो मिमिक्री के हवाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ डिटेल से जो है वो मैं स्टडी करवाऊँ। तो मिमिक्री का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है, मैं यहाँ पर टाइप की तरफ आ रही हूँ। सिंपली आपको बता देती हूँ, वन ऑर्गेनिज्म का रिजेंबल कर लेना दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, प्रे का प्रीडेटर के साथ तो नहीं, लेकिन दो स्पीशी के मेंबर का आपस में जो है वो क्या कर लेना, रिजेंबलेंस कर लेना। जो रिजेंबल करेगा वो मिमिक कहलाएगा, और जिसके साथ रिजेंबलेंस होगी उसको मॉडल बोलेंगे। तो मॉडल ने अपना बहरूप नहीं बदलना, मॉडल ने अपने आप को चेंज नहीं करना, लेकिन मॉडल को देख के उस जैसी शक्ल जो है जो भी करेगा धारेगा, जो उसके साथ रिजेंबल करेगा वो मिमिक कहलाएगा। और मिमिक अमूमन ज्यादातर केसेस में प्रे होते हैं, चंद केसेस में ऐसे हैं जो प्रीडेटर मिमिक बनते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरह भी निकल सकता है, आगे पूछ सकते हैं आपसे कि ये मिमिक कौन है। तो ज्यादातर 90% केसेस में हम क्या कह सकते हैं, मिमिक आर द प्रे। तो प्रे यूजली ये काम करते हैं। तो बहरहाल ये कोई इन्वायरमेंट के साथ अपने रिजेंबलेंस नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीशी के मेंबर की किसी दूसरे स्पीशी के मेंबर के साथ रिजेंबलेंस है। तो जो रिजेंबलेंस करेगा वो मिमिक कहलाएगा, जिसके साथ करेगा वो मॉडल कहलाएगा। टाइप्स हैं इसकी, बैट्सन मिमिक्री है, मलेरियन मिमिक्री है, वेस्मेनियन मिमिक्री है, पैकमियन मिमिक्री है, सेल्फ मिमिक्री है। तो इसको देखते हैं, बैट्सन मिमिक्री मैंने एक टॉपिक में आपके साथ शेयर भी की थी कि बैट्सन मिमिक्री में एक स्पीशी के मेंबर टेस्टफुल है और दूसरी स्पीशी के मेंबर जो हैं वो डिसटेस्टफुल हैं। तो ये यानी कि बैट्सन मिमिक्री इज अ टाइप ऑफ मिमिक्री विच अ पैलेटेबल एनिमल मिमिक। जो टेस्टफुल एनिमल है वो जो है वो अपनी शक्ल जो है वो अपनी मॉर्फोलॉजी जो है, अपनी कलर जो है वो किसके साथ कर लेता है, वो डिसटेस्टफुल जो है ऑर्गेनिज्म के साथ मैच कर लेता है, ताकि जो है प्रीडेटर समझे कि ये डिसटेस्टफुल है, इसे नहीं खाना, और वो वहाँ से चला जाए। तो इस तरह की मिमिक्री जिसमें दो स्पीशी के मेंबर हैं, एक टेस्टफुल है और दूसरा क्या है, डिसटेस्टफुल है, जो टेस्टफुल है या पैलेटेबल है वो मिमिक कहलाएगा, और जो डिसटेस्टफुल है वो मॉडल कहलाएगा। तो टेस्टफुल अपने आप को कैसे अपनी शेप कर लेता है डिसटेस्टफुल की, और उसकी मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के साथ जो है मोनार्च और वायसराय, मोनार्च बटरफ्लाई, और ये मोनार्च बटरफ्लाई है इधर लेफ्ट वाली साइड पे, राइट वाली साइड पे जो है वो वायसराय बटरफ्लाई है। तो मोनार्च बटरफ्लाई जो है उसमें उसके कैटरपिलर जो के मिल्की वीड पे बैठते हैं, जो जैसे अक का पौधा है उस पर बैठेंगे, वहाँ से मिल्क लेंगे जिसमें पॉइजन होता है। तो ये अमूमन जो भी इसको बर्ड खाएगा तो वो जायका अच्छा नहीं लगेगा, वो पॉइजन भी होगा, तो वो फौरन निगल देगा वापस उसको यानी कि खाएगा नहीं बल्कि उगल देगा, मतलब निकाल देगा। तो यानी कि बर्ड जो प्रीडेटर है वो अवॉइड करते हैं मोनार्च को खाने से। वायसराय बटरफ्लाई जो है वो अपनी शेप कैसी कर लेती है, मोनार्च की तरह। मोनार्च इज़ अ मॉडल हेयर एंड वायसराय इज़ अ मिमिक। तो वो लुक लाइक होगी बिल्कुल डिसटेस्टफुल स्पीशी की तरह। रिजल्ट ये होगा कि उसको बर्ड खाएंगे नहीं, और फिर इस तरह ये जो प्रे है ये अपने प्रीडेटर से बच जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है ईस्टर्न कोरल स्नेक। तो ये विनोमस होता है, इसको भी अमूमन इसके प्रीडेटर नहीं खाते कि ये विनोमस है बहुत ज़्यादा। एक और है स्कारलेट किंग स्नेक। जो है स्कारलेट किंग स्नेक जो है ये नॉन विनोमस है, इसको अमूमन प्रीडेटर खाते हैं, लेकिन ये अपनी शक्ल कैसी कर लेता है कोरल स्नेक की तरह, ताकि ये प्रीडेटर से बच जाए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि मिमिक यूजली क्या है, प्रे है, जो किसी और प्रीडेटर से बचने के लिए अपने से मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म के साथ अपनी जो है वो क्या कर लेते हैं, अपना जो बॉडी को उससे रिजेंबल कर लेते हैं मॉडल के साथ। सेकेंड है मलेरियन मिमिक्री। ये यूजली टू डिसटेस्टफुल ऑर्गेनिज्म जो है नॉन पैलेटेबल जो है स्पीशी के मेंबर के दरमियान होता है। अब ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एक डिसटेस्टफुल है तो दूसरा भी डिसटेस्टफुल है, तो फिर इनके दरमियान रिजेंबलेंस ये क्यों करते हैं, तो दोनों ही डिसटेस्टफुल है फिर इन्हें रिजेंबलेंस करने की क्या जरूरत है। इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि जो मिमिक्री करता है वो थोड़ा सा कम जो है वो पॉइजनस है, और जिसके साथ वो करेगा वो ज़्यादा पॉइजनस है, ताकि जो है वो प्रीडेटर समझे कि ये भी उतना ही पॉइजनस है,
जितना इसका मॉडल जो था, तो रिजल्ट जो है कि वो प्रीडेटर नहीं खाएगा। तो ये दोनों ही डिस्टेस्टफुल के लिए है और इसमें दोनों को ही फायदा है। इसमें मॉडल को भी नहीं कोई खा रहा और मिमिक को भी नहीं खा रहा, दोनों ही डिस्टेस्टफुल है, लेकिन मिमिक थोड़ा कम है और मॉडल क्या है ज्यादा डिस्टेस्टफुल है। और मिमिक अपनी शक्ल कैसा कर लेते हैं ज्यादा डिस्टेस्टफुल की तरह के ऑर्गेनिज्म के साथ, ताकि प्रीडेटर से बच सके। तो इसमें हमारे पास फिर जो है वो बटरफ्लाई या मौत की एग्जाम्पल है। हेलिकोनियस इरेटो जो है उसके दरमियान और हेलिकोनियस मेल्पोमेन, तो ये दो स्पीशी हैं, आर टॉक्सिक एंड फॉर्म अ लोकल मिमिक्री रिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एरिया। तो इसमें जो है एक जो स्पीशी के मेंबर हैं वो कम डिस्टेस्टफुल हैं और दूसरे के क्या हैं ज़्यादा डिस्टेस्टफुल हैं। तो दोनों इनकी मिमिक जो है वो अपनी मॉडल की तरह कर लेता है, ताकि प्रीडेटर समझे कि ये दोनों ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं तो इनके पास नहीं जाना। थर्ड जो है उसे हम कहते हैं वेस्टमेनियन मिमिक्री। वेस्टमेनियन मिमिक्री इज अ मिमिक्री इन विच द मिमिक रिजेंबल इट्स होस्ट इन ऑर्डर टू लिव विद इन द सेम नेस्ट और स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें मजे की बात ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे के साथ जो है मॉडल के साथ जो है वो रिजेंबलेंस कर रहे हैं, तो फिर उसी के साथ रहेगा, रहना भी फिर उसी के साथ है, तो ताकि जो है प्रीडेटर उसको ना खाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल है जंपिंग स्पाइडर जो है वो आंट के साथ अपने आप को रिजेंबल कर लेते हैं, तो लगना ऐसे कि जैसे वो आंट ही हों। अब ये वो जो हमने पहले पढ़े हैं फिर भी क्लोज रिजेंबल्ड स्पीशी थी, जैसे मैंने स्नेक की ली तो वो क्लोज थे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। आंट जो है वो डिफरेंट है स्पाइडर से, स्पाइडर जो है वो आंट जो है वो इंसेक्टा में आते हैं, स्पाइडर आई थिंक अरेक्नाइडा में आता है। तो ये जो है यहाँ पे स्पाइडर जो है वो आंट के साथ रिजेंबल कर रहा है, ताकि प्रीडेटर जो है वो समझे कि ये कोई और ही चीज़ है, ये आंट ही है, इसलिए इसको नहीं खाना। तो वो होता क्या है, वो असल में स्पाइडर होता है, तो उसके साथ फिर रहना भी है। इस तरह की जो मिमिक्री है उसको वेस्टमेनियन मिमिक्री कहते हैं। एक और एग्जाम्पल है इसकी कि सम बीटल मिमिक आंट इन ऑर्डर टू बी प्रोवाइडेड विद फूड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन। तो जो है जैसे ये बीटल्स जो हैं, ये आप जो राइट वाली साइड पे जो है वो बीटल है, वो अपने आप को किस तरह रिजेंबल करवा रही है, वो मिमिक बन रही है, वो आंट की तरह मिमिक बन रही है, आंट जो है वो मॉडल है उस जैसी है, ताकि उसे फूड भी मिलती रहे, शेल्टर भी, और प्रीडेटर से भी वो बच सके, उसके साथ रहना भी फिर उसके साथ ही है। तो यहाँ पे इसको ये थोड़ा सा जो है उससे क्या नाम है बैट्सियन से इसका फर्क है, तो इसे हम क्या कहेंगे वेस्टमेनियन मिमिक्री। एक और है जिसे हम कहते हैं पैकमियन मिमिक्री या अग्रेसिव मिमिक्री है। तो इन विच प्रीडेटर मिमिक इट्स प्रे इन ऑर्डर टू कैच। पहले हमने जितने भी पढ़े थे उसमें मैंने कहा था कि यूजली प्रे जो है वो मिमिक्री करता है, लेकिन यहाँ पे कौन कर रहा है, प्रीडेटर कर रहा है, तो इसलिए हम इसे अग्रेसिव मिमिक्री कहेंगे। यहाँ प्रे नहीं कर रहा बल्कि क्या करेगा, प्रीडेटर करेगा। एग्जाम्पल क्या है, बोला स्पाइडर आर टाइप ऑफ अग्रेसिव मिमिक्री, दे प्रोड्यूस केमिकल दैट मिमिक द सेक्स फेरोमोन टू अ पर्टिकुलर मॉथ स्पीशी। यानी यहाँ पे ये जो स्पाइडर है ये खास किस्म के केमिकल्स जो है वो अपनी बॉडी से खारिज करता है, वो ऐसे केमिकल या फेरोमोन खारिज करेगा जो मॉथ से निकलते हैं, और वो मॉथ के सेक्स फेरोमोन होते हैं। जो मेल है मॉथ वो ये समझेगा कि ये फेरोमोन जो है वो मेरी फीमेल जो पार्टनर है वो खारिज कर रही है, वो फौरन उसकी तरफ भागा चला आएगा, और जो ही वो स्पाइडर के पास पहुंचेगा वो ये समझेगा कि ये फीमेल जो है वो मेरी जो है पार्टनर है, क्योंकि इसके जो फेरोमोन थे वो बिल्कुल, जो स्पाइडर के फेरोमोन थे वो बिल्कुल सेक्स फेरोमोन जैसे ही थे जो मॉथ से निकलते हैं, तो इस तरह वो जो ही पास आएगा तो स्पाइडर उसे फौरन जो है वो खा लेगा, किल कर देगा। तो यहाँ पर ये देखें कि स्पाइडर इज अ प्रीडेटर, और उसने अपनी शेप नहीं वैसी की, बल्कि उसने अपने अंदर, जरूरी नहीं है कि अपनी शेप को ही रिजेंबल करना, इसने अपने फेरोमोन जो है वो मॉथ फीमेल के जो सेक्स फेरोमोन है उस जैसे रिजेंबल कर लिए हैं, ताकि जो मेल मॉथ है वो इसका शिकार बन जाए और ये इसको खा ले। तो इस तरह की जो मिमिक्री है उसे एग्रेसिव मिमिक्री या पैकमेनियन जो है पैकमियन मिमिक्री बोलेंगे। अच्छा, एक और सेल्फ मिमिक्री भी है। ये सेल्फ मिमिक्री का मतलब है, ये जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि ये
इसको अपोजमेटिक भी कहते हैं, डिफेंस भी कहते हैं या वार्निंग भी कहते हैं, तो कलरेशन भी कहते हैं। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है खुद ही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की जो है वो पूरी शेप नहीं कर रहा, बल्कि उसके पार्ट्स जो है वो अपने ऊपर जो है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है, उसके पार्ट वैसे यानी कि अपने बॉडी का कलर वैसा कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये मौत है, लेकिन इसने अपने मिड में जो है दो आई स्पॉट रखे हुए हैं, ये आई स्पॉट नहीं है, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे आउल के जो हैं वो आंखें हों, तो ये डराने के लिए दूसरों को, ताकि कोई और जो है वो इसकी तरफ बढ़ ना सके। तो ये इस तरह की मिमिक्री जो है, इसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ मिमिक्री कहेंगे, इज अ मिमिक्री इन विच स्पीशी हैव वन बॉडी पार्ट दैट मिमिक अनदर टू इंक्रीज सर्वाइवल रेट ड्यूरिंग एन अटैक और हेल्प प्रीडेटर अपेयर इनोशियस टू अलाउ द प्रे एक्स्ट्रा सेकेंड टू एस्केप। यानी यहाँ पे सिंपली हम कहेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, ये जो एक एनिमल है, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के पार्ट के साथ जो है वो अपनी रिजेम्बलेंस कर रहे हैं, तो उस इस तरह के हम क्या कहेंगे मिमिक्री को, सेल्फ मिमिक्री कहेंगे। जैसे मैंने आई स्पॉट का बताया, तो ये आई स्पॉट इसके हैं नहीं, लेकिन ये जस्ट धब्बे हैं और लगता है ऐसे या दूर से जैसे कोई ऑर्गेनिज्म की आंखें हों, तो इस तरह ये अपने प्रीडेटर से बच जाएगा। तो ये डिटेल से हमने मिमिक्री को स्टडी किया। कम्युनिटी जो इकोलॉजी थी उनमें हमने इंटर स्पेसिफिक रिलेशंस देखे, इंट्रैक्शन देखे। तो अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें थी, वो मैं आप एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। समटाइम कमेंसलिज्म में अपग्रेडेड इनटू, जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि कमेंसलिज्म अपग्रेड हो गया है, तो वो किस में अपग्रेड हुआ है, ए पे है सिम्बायोसिस, बी पे है म्यूचुअलिज्म, सी पे है अमेंसलिज्म, डी पे है प्रीडेशन। तो म्यूचुअलिज्म यानी कमेंसलिज्म में अक्सर, जैसे मैंने पायलट फिश का बताया था कि वो एक्टोपैरासाइट को उठाती है, तो इस तरह शार्क को भी फायदा होता है, तो वो म्यूचुअलिज्म की तरफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर टू, को एग्जिस्टेंस ऑफ टू स्पीशी इन अ सेम हैबिटेट एंड शेयरिंग रिसोर्सिस बाय पार्टिशनिंग देयर रिसोर्स इज, ये मेरा, मैंने आप लोगों के साथ ये पॉइंट शेयर भी करना था कि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि दो या दो स्पीशी के मेंबर जो है वो एक ही हैबिटेट में रहते हैं, लेकिन वो पार्टीशन कर लेते हैं ताकि उनका कंपटीशन कम से कम हो, अपने रिसोर्सेज की पार्टीशन कर लेते हैं। और उसमें बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको देनी थी, फाइव स्पीशीज ऑफ वार्बलर इन अ नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो उसमें ये जो वार्बलर, पांच वार्बलर की डिफरेंट स्पीशी हैं, वो एक ही ट्री में रहते हैं लेकिन अपने नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको पार्टीशन कर लेते हैं। तो कुछ जो है वो टॉप पे वार्बलर रह रहे हैं, कुछ जो है वो ब्रांचेस पे रह रहे हैं, कुछ जो है वो उसके ट्रंक पे रह रहे हैं, कुछ इनर ब्रांचेस पे रह रहे हैं, खाते सारे वार्बलर इंसेक्ट हैं, लेकिन अपने ट्री में उसने इंसेक्ट के वो जो ये रिसोर्स है इनका फूड का, उसको ये पार्टीशन कर लेते हैं ताकि इनका कंपटीशन कम से कम हो या ना हो। तो इस तरह के प्रोसेस को हम करेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर जो है दो स्पीशी जो है एक ही हैबिटेट को यूटिलाइज कर रही हूँ और एक ही तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रही हूँ, लेकिन पार्टीशन ना करें, तो रिजल्ट जो है वो, इस प्रोसेस को हम निश ओवरलैप कहेंगे, लेकिन ये कंपटीशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एक स्पीशी को वहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा, वहाँ से निकलना पड़ेगा, या उसको, उसकी डेथ हो जाएगी या सर्वाइव नहीं होगा, या फिर वहाँ से उसको जाना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें पार्टीशन नहीं होती, उसे हम निश ओवरलैप कहते हैं। और अगर ये पार्टीशन करके अपने कंपटीशन को कम से कम करें, तो उसको हम क्या कहेंगे, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने सोचा था मैं एमसीक्यूज में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। को एग्जिस्टेंस के हवाले से भी एमसीक्यूज आ सकता है, वो क्या है, निश ओवरलैप मैंने जैसे बताया, करेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ सकते हैं, या कम्पिटेटिव एक्सक्लूजन जो निश ओवरलैप का रिजल्ट है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ निश ओवरलैप, तो उसकी क्या होगा, कम्पिटेटिव एक्सक्लूशन हो जाएगी, यानी एक स्पीशी जो है वो एक्सक्लूड कर जाएगी। अगला जो है क्वेश्चन है, वार्निंग कलरेशन बाय प्रे इज आल्सो कॉल्ड डिफेंस। ए पे है अपोजमेटिक, बी पे है क्रिप्टिव, सी पे है डिसेप्टिव, डी पे है प्रिज्मेटिक। तो वार्निंग कलरेशन को हम सेल्फ मिमिक्री का नाम भी देते हैं, अपोजमेटिक डिफेंस भी कहते हैं, तो ये अपोजमेटिक है। लेकिन अगर इसके साथ साथ ये अपने बैकग्राउंड से भी करता, तो फिर ये कीमोफ्लेज होता,
या ये कीमोफ्लेज की टाइप क्रिप्टिक होती है, लेकिन यहाँ पे वार्निंग कलरेशन, जहाँ पे वार्निंग कलरेशन आ जाएगा वो या तो एपोजमेटिक होगा या उसे सेल्फ मिमिक्री कहेंगे या उसे वार्निंग कलरेशन पैटर्न कहेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रिजेम्बलेंस ऑफ टू डिस्टेस्टफुल स्पीशी इन विच वन बिकम मॉडल एंड अदर मिमिक। तो दो डिस्टेस्टफुल स्पीशी के दरमियान है, तो ये कौन सी मिमिक्री होगी? क्या ये बैट्सियन है, क्या ये मलेरियन है, वेजमेनियन है, या अग्रेसिव मिमिक्री है? तो इसको हम क्या कहेंगे, बैट्सियन मिमिक्री तो नहीं कहेंगे, मलेरियन मिमिक्री, जिसमें दोनों डिस्टेस्टफुल जो हैं वो स्पीशी हैं, लेकिन एक कम है डिस्टेस्टफुल और एक ज़्यादा है। तो मैंने यहाँ कोशिश की थी कि कम्युनिटी इकोलॉजी जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूँ, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, निश के हवाले से आते हैं, जैसे करैक्टर डिस्प्लेसमेंट का मैंने बताया, उस हवाले से आते हैं, कीमोफ्लेज के हवाले से आते हैं, या ये मिमिक्री के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर थोड़ी सी जो मैंने डेफिनेशंस आप लोगों के साथ शेयर की थी कि अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप कम अज़ कम जो है इकोलॉजी जो हिकमैन की है या जो है बीएससी लेवल की जो इकोलॉजी है, जिसमें अमूमन खालिद बलोच है, रियाजुल हकरामे हैं, और भी बहुत सारी हैं जो आपको हैंडबुक जो है वो हेल्पिंग बुक के तौर पर आप लोगों को मिलेंगी, तो उसमें जो है उनमें डेफिनेशंस दी होती हैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स के साथ, तो वो टर्म्स जो है कम से कम आप उनको ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको टॉर पर बताया, एस्टिवेशन का बताया, हाइबरनेशन का, विंटर स्लीप का, तो ये एग्जांपल के साथ जो है वो आप लोग हिटमैन से या अपनी बीएससी की हेल्पिंग बुक से या मिलर एंड हार्ले से या आप जो एफएससी की बुक्स हैं उनसे ये काइंडली देखिएगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इंशाल्लाह जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा इसी का, इकोलॉजी के हवाले से, वो मैं कोशिश करूँगी कि ट्रॉफिक लेवल्स जैसे हैं, ये फूड चेन है, फूड वेब है, पोल्यूशन है, क्योंकि ये हमारी सारी अभी रहती हैं। इसके अलावा जो है ये बायोम्स, जैसे मैंने बताया पाकिस्तान के बायोम्स, उसमें हवाले से भी आते हैं, डिफरेंट जो है इकोसिस्टम जो है, फ्रेश वाटर जो है इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, सी जो है उसके, मरीन इकोलॉजी के हवाले से। तो ये कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट जो है वो एक या दो लेक्चर में ये कवर हो जाए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, हर पोर्शन को, हर जो सब्जेक्ट है ये इसकी ब्रांचेज हैं जूलॉजी, उस पर फोकस करें, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हमारे साथ रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, बी मोटिवेटेड, बी कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।